हम लोग लगातार बैठेंगे सर, कंटिन्यू। कि नीतीश कुमार होश में आओ, अगर वादा पूरा नहीं करते हैं तो तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों को 2024 में इसका भुगतना होगा, इसका अंजाम। हमें ये तब तक बैठल रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरा नहीं हो जाती है। हम ही लोग उन लोग को मनोबल बढ़ा दिए हैं। हम ही लोग जो है ना प्रधानमंत्री को ख्वाब दिखाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री का कि मुख्यमंत्री बने लगी सोचे पड़ जाए, नीतीश कुमार कहीं से खड़ी हो जाए, विधायक बन गया तो उसके नाम पर कुछ भी करने के लिए तरह कलम में स्याही खत्म हो गया। अल्लाह हजारे के तरह हम लोग शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन हटना पसंद नहीं करेंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, 24 में इनकी औकात पता चल जाएगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम, मैं हूँ आपके साथ और रोहित केशव तो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। ये देखिए आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोग ग्रामीण चिकित्सक है। आपको बता दें कि ये वही ग्रामीण चिकित्सक है जिनको कोरोना के टाइम में सरकार के द्वारा मांग किया गया था। और आप देखिए ये लोग काफी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। और आप देखिए चार दिनों से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोग की मांग है कि सरकार हम लोग की ज्वाइनिंग कराए, हम इन लोगों से बातें करते हैं। नीतीश को गद्दी से हटाना है। चार दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं जी, और कितना दिन बैठिएगा? हम लोग लगातार बैठेंगे सर, कंटिन्यू, रात दिन हम लोग यहाँ, रात दिन हम लोग यहाँ रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रात को हम लोग नहीं रहते हैं, रात में भी रहते जी, रात में हम लोग यहीं रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार होश में आओ, अगर नहीं आएगा तो ग्रामीण चिकित्सक आपको होश में लाने का काम करेगा 2024 में। नीतीश कुमार को होश में लाने जी, एकदम होश में ला देंगे सर। पीएम का नारा स्वयं ग्रामीण चिकित्सक लगाया था समाधान यात्रा में, जब नीतीश कुमार हर जगह घूम रहे थे और 3800 जिला में हम लोग ने मांग पत्र देने का काम किया। उन्होंने आश्वासन भी दिए, समाधान यात्रा का समीक्षा बैठक भी किए। आखिर क्या हुआ हम लोगों का एप्लीकेशन का? आपने वादा खिलाफी करने का काम किए हैं, अगर वादा पूरा नहीं करते हैं तो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों को 2024 में इसका भुगतना होगा, इसका अंजाम। जी सर, हम लोग गुस्सा में ना कह रहेंगे, 5 साल से हम लोग का छला जा रहा है सरकार के द्वारा। हम लोग अजीज हो करके जनता दरबार में एप्लीकेशन दिए, मुख्यमंत्री आवास में दिए, तेजस्वी यादव से मिले, लालू जी से मिले, लेकिन कोई भी हम लोगों के देखने वाला सुधी नहीं है। तो मरता क्या नहीं करता, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, जनता दल यूनाइटेड मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, कब तक बैठे रहिएगा? 4 दिन हो गया। हमें चैनल के माध्यम से जी बोलिए, बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक की ओर से चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आज इस मौके पर आप पहुंच गए हैं। हमें ये तब तक बैठल रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरा नहीं हो जाती है। इसके लिए 24 घंटा ये स्थल को हम नहीं छोड़ते हैं। 4 दिन से आप लोग बैठे हैं, कोई पूछने आया आप लोग? कोई पूछने वाला नहीं है, अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया कि आप काहे ला बैठल है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अरे वजह है ना, हम ही लोग उन लोग को मनोबल बढ़ा दिए हैं। जो एक बार कहे थे माननीय एलवी सिंह कि जरा सा हमको सहयोग कर दीजिए, तो सहयोग किए थे ना 19 में सहयोग किए थे बिल्कुल। 39 में 39 दिल्ली भेजाए थे, इस बार आवरी जीरो। आवरी जो है ना उनका, जो हम ही लोग जो है ना प्रधानमंत्री को ख्वाब दिखाए हैं। अगर प्रधानमंत्री कौन दिखाया तो ग्रामीण चिकित्सक, और वही ग्रामीण चिकित्सक है कि अगर प्रधानमंत्री का कि मुख्यमंत्री बने लगी सोचे पड़ जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। एकदम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए नहीं, विधायक के लिए आफत आ जाएगा, विधायक भी नहीं बन पाएगा, विधायक भी नहीं बनेगा। नहीं, नीतीश कुमार कहीं से खड़ी हो जाए, विधायक बन गया तो उसके नाम पर कुछ भी करने के लिए तरह। एकदम बिगाड़ेंगे नीतीश कुमार मुर्दाबाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री के भी चेतावनी देते हैं जी। वो भी कहे थे अपनी घोषणा पत्र में कि उनकी घोषणा पत्र में कहे थे 7वां नंबर कोमल लोम में भी होगा जी, क्या बोला गया था? कि हम जैसे ही आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो पहला कलम
आप लोग के लिए चलेगा, वो गांधी मैदान में। अच्छा, तभी बोले थे खुद ही। अच्छा। अभी तक क्या गांधी मैदान में कलम उनके लिए नहीं है? कलम खत्म हो गया, कलम में स्याही खत्म हो गया, कलम में स्याही खत्म हो गया, स्याही खत्म हो गया। ऐसे ऐसे आदमी धोखेबाज आदमी को कोई आप लोगों से पूछने अभी तक कोई पूछने नहीं आया है। सरकार की अधोरंगी नीति है। माननीय तेजस्वी यादव हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने अपना संकल्प पत्र में भी दिया था। अच्छा, और तेजस्वी यादव का संकल्प पत्र लेके बैठे आप लोग? बिल्कुल लेके बैठे हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो 7 में भी दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी। कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन? अब अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। जब तक बैठे रहिएगा, ये बताइए, जब तक सरकार के तरफ से कोई ठोस आश्वासन हम लोग को नहीं मिल जाता, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे जो हो जाए। इसके लिए कुछ आपके सहयोग? अन्ना हजारे के तरह हम लोग शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन हटना पसंद नहीं करेंगे। हटिएगा नहीं, हटे कहना है कि अब की बार नीतीश कुमार अगर बात नहीं माने, उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को जो चचा भतीजा मिलकर चैलेंज दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बाढ़ भी नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि प्रधानमंत्री, हम लोग के रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग के बाल बच्चा नहीं है, इनको कुर्सी चाहिए प्रधानमंत्री के। नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी जी, तो 24 में इनकी औकात पता चल जाएगी। 24 में? हाँ, चचा भतीजा जोड़ी जो बनाई है। आप लोग बताइए। नहीं, चार दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठी हुई बैठे हुए हम लोग के लोग मिलने आए आप लोगों से? नहीं, हम लोग का कोई पूछताछ करने तक नहीं है, कोई भी नहीं पूछ रहा है। कब तक बैठे रहिएगा? बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन है ये, तो बैठे रहेंगे। इसी तरह बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे। उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है सरकार से? हाँ उम्मीद है। बात सुनी जाएगी? एकदम सुनी जाएगी, वोट नहीं, एकदम सुनी जाएगी। आप इधर आ जाइए, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। उम्मीद है सरकार से? 9 बरस तो देखा गया उम्मीद। इधर आ जाइए, इधर थोड़ा खड़ा हो जाइए आप। 9 साल से उम्मीद देखा जा रहा है, आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, इसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, बैठे हुए? उन्होंने वादा किए थे, हम लोग कोनो उनसे लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपना हक मांगने के लिए। उन्होंने वादा किया था कि तुम लोग प्रशिक्षण कर लो, प्रशिक्षण के बाद तुम लोग का समायोजन करूंगा। समायोजन के बाद ये भी बताया था कि हमारा बाप भी बैदस थे और हम उन्हीं के संतान हैं जो देहात क्षेत्र में कार्य किया करते थे, और तू लोग भी देहात क्षेत्र के कार्य करता है। हम तुम लोग को निश्चित है कि सरकार से जोड़ दूंगा, और हम लोग जितने भी लोग हैं सारे लोग पहुंचे हैं उस मांग के लिए कि हम लोग का भी जो आपने वादा किया था, वादा करने के दरमियान में हम लोग को ये भी कहा गया था कि तुम हम लोग को साथ दो, मैं तुम लोग को साथ दूंगा। किस तरीके से? देखिए एक बार बोलिए, क्या तीसरा सरकार आप है, हम लोग का बात आप पहुँचाए। जरूर, हम आपका बात पहुँचाने के लिए हम इसके पास क्या किया आप? चलिए देखिए एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रामीण चिकित्सक है, आपको बता दें कि 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए, और इनके साफ साफ कहना है कि काफी लंबे समय से हम लोग अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, बार बार सरकार के द्वारा हम लोगों को सांत्वना दिया जा रहा है, लेकिन इस बार सांत्वना से काम नहीं चलेगा। इनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो मांग है अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बनना तो दूर, उनको वार्ड का भी चुनाव हम लोग जीतने नहीं देंगे, और आने वाले चुनाव में अगर हम लोग की बातें वो नहीं मानते हैं तो उनको हम लोग आने वाले 2024 के चुनाव उनको सबक सिखाएंगे। और भी इनका क्या कुछ कहना था वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।